तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और शायद तक गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है। और मैं सीरियसली बताऊं तो सुबह उठकर ब्लॉग शूट करने की इच्छा इसलिए नहीं होती कि यार सुबह सुबह क्या दियारी शब स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेला रहता हूँ, फिर ज़्यादा लोगों के साथ ब्लॉग शूट भी नहीं कर सकते, तो वही चीज़ें हैं। फिर यार मन भी नहीं करता ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का यार, तो वही है। और दिया को अभी थोड़ी देर पहले मैं लेके आया था, तो 12 से तो ऊपर ही हो रहे हैं मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि 12 बजे दिया की छुट्टी होती है और 1:20 पे ऋषभ की छुट्टी होती है। तो आज दोनों को अलग अलग लेके आऊँ। अभी मैं दिया को लेने गया था, तो दिया को मैं फटाफट जाके लेके आऊँ, क्योंकि यार थोड़ा सा काम था तो वो भी काम निपटाना था। और उसके बाद अब मेरे को जाना है ऋषभ को लेने, जो कि स्कूल में ही है आज, उसकी जल्दी छुट्टी नहीं कराई। उसको भी लग रहा होगा कि यार आज यार मेरी छुट्टी नहीं कराई, जल्दी जल्दी आ गए, दिया को ले गए, मुझे नहीं लेके गए, तो आज हम उसको लेने चलेंगे। और सीरियसली बताऊँ, आज का जो मौसम है ना वो इतना क्लासिक है, इतना क्लासिक है। मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ बाहर का मौसम, मतलब जो कहते हैं ना क्लाउडी मौसम, इतने दिन बाद में इतना अच्छा मौसम, मतलब सीरियसली बताऊँ, ये देखो बाहर ऊपर हो रहे हैं क्लाउड, मतलब धूप है नहीं। और ऐसे मौसम में एक इच्छा करती है, एक बढ़िया सी राइड हो, आप कहीं घूमने निकल जाओ और बढ़िया से रिलैक्स चिल कर कर आओ, तो वही है। बट यार अभी मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, शुभम के घर पे उसका ऑफिस चल रहा होगा तो वो जाएगा नहीं, है नहीं, मतलब वो जाएगा नहीं कहीं, क्योंकि अभी हम संडे को राइड मार के आए हैं। और अब सडनली अगर उसे मैं राइड के लिए बोलूँगा तो वो मना कर देगा, क्योंकि यार उसकी भी प्रॉब्लम रहती है, ऑफिस की भी है, थोड़ी घर की भी प्रॉब्लम्स है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती है। और यार अकेले जाने की इच्छा नहीं करती यार, अगर अकेले जाओगे तो यार मन नहीं करता। तो दिया ऋषभ के साथ में चलेंगे। देखो कितनी क्यूट सी गुड़िया जा रही है, बाय 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 बाय, बहुत क्यूट सी गुड़िया है, मतलब बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं और भैया भी जानते हैं, गुड़िया भी जानती है, तो वो देखती ही जा रही थी, मतलब यार वीडियो में दिखाते कितनी क्यूट है। तो वही चीज़ें यार, अब यार सीरियसली बताओ ना, इतना बोरिंग डेज चल रहे हैं ना ये, इतने बोरिंग रहते हैं गर्मी वाले सीजन, सीरियसली कुछ करने के लिए नहीं होता ना, तो आदमी घर में बैठे बैठे यही सोचता है कि यार आज ये करा जाए, तो कुछ भी नहीं हो पाता ना, तो फिर वही चीज़ है। तो अभी तो यार ऋषभ का टाइम हो रहा है, सबसे पहले तो उसको लेने चलते हैं, उसको लेकर आते हैं स्कूल से, क्योंकि अगर उसको लेट कर दिया ना तो भाई वो बवाल मचा देगा, तो मैं उस बवाल से बचना चाहता हूँ। तो अभी चलते हैं, ऋषभ को लेकर आते हैं, दिया आ चुकी, दिया खाना खा रही है, फिर दोनों को दिखाते हैं ब्लॉग के अंदर उनकी मस्ती। तो अभी अपन चलते हैं ऋषभ को लेकर। हाँ तो लेट छुट्टी कराई थी मैंने, दिया दीदी को तो ले गया ना घर पे, हाँ दिया को तो ले गया मैं, तुझे लेट लेने आया हूँ, गर्म होगी है तेरे बड़े नखरे में, इसकी गर्मी थी, अब तेरे लिए एसी लगवाता हूँ मैडम को बोलकर, हैं एसी लगवाऊँ तेरे लिए बोलकर, हैं एसी लगवाऊँगा तेरे लिए, हैं मेरी मर्जी, सोच ले, मैं बोल भी दूंगा मैडम को, मैडम एसी लगाओ इसके लिए। तो चल घर चलते हैं पहले, है ना, रिश्वत पकड़ेंगे बेटा, रिश्वत लेते हुए क्या ले रहा है, और बस एक गिलास और चलेगा यार, है एक गिलास और ले लूँ, एक गिलास तो अच्छा नहीं है, ठंडा है तो चलेगा एक गिलास, तो पता ही नहीं चलेगा एक गिलास कहाँ गया है, क्या और ले ले, एक गिलास और ले लेते, बस हो गया मेरा, देख ले एक गिलास के लिए ऑफर कर रहा हूँ अभी भी, एक गिलास, क्या ही गंदे गंदे, क्या ही स्लाइम है पूरा, बाप रे कहाँ से लाए तुम ये गंदी चीज, ये मार्केट से, इधर ना कर, पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें लाते हो, तेरे कपड़े क्यों नहीं पहन रहे नंगे पुंगे, कपड़े क्यों नहीं पहन रखे तीनों नंगे पुंगे, गर्मी लग रही है, कपड़े पहन ले चल। तो ये देख लो, तो ये तो आ गई स्कूल से, तुझे पता आज हमने क्या पिया, क्या पिया तेरे को नहीं पिलाया, आज ऋषभ को पिला के ले गया, क्या क्या ऐसी कैसी हरकतें कर रहा है ओ भाई नंगा पुंगा, हाँ वीडियो में सबने बेइज्जती करेंगे, आप वीडियो में सब मजे लेंगे, अबे कपड़े पहले कमेंट
जाएंगे, ऋषभ हुआ नंगा। नंगे पुंगे कौन है ऋषभ नंगे पुंगे? पहले कपड़े, पहले कपड़े, आज की ट्रेंडिंग कपड़े, कपड़े पहले, हाँ तो पहन तो ये इसके कपड़े रे। अब पहले फटाफट तो अभी ये कपड़े अपने पहनने देते हैं उसको, अपन करते हैं ब्लॉग एडिट, क्योंकि अगर ब्लॉग एडिट होगा तो शाम को अपलोडिंग का टाइम बचेगा, बस अपलोडिंग अपलोडिंग रहेगी। तो अभी एडिट एडिट कर देते हैं, रेंडर वेंडर निकाल देते हैं। और ये देखो ये नंगा है अभी भी, कपड़े नहीं पहने जा रहे इससे, और ये पता नहीं क्या हरकतें कर रही है, तो इनको इनकी हरकतें करने देते हैं, हरकतें करने देते हैं और अपन ब्लॉग एडिट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि अर्जेंट काम है तो इसको निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आपको दोबारा। तो ये भी कपड़े पहन लेगा नंगा भाई, अभी इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई, पेपर आ गए इसके, पेपर आ गए, नो ब्लॉग्स अलाउड, नो ब्लॉग्स अलाउड। पहले तो और सुन सुन सुन, मुझे तुझसे काम है भाई, काम है तुझसे, ये ना ये इसके भाई थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ी तरीके से करा लेना। आज ना एक बच्चा मजाक उड़ा रहा था इसकी, हाँ अच्छा, स्कूल का सामान मंगवाया, क्या सामान मंगवाया है? मैं नहीं ले कह रहा, लीड पेंसिल, लीड पेंसिल नहीं और कुछ भी मंगवाया क्या? तो अभी ये भी पढ़ रहा है क्या ऋषभ भी? नहीं ले आजा, चल चले फिर अपन, चल चल। तो भाई मैं जाता हूँ इसको सामान दिलाने के लिए, चलते हैं इसको सामान दिला के लेके आते हैं, क्योंकि मेरे को पता है जीने तो देगा नहीं है जब तक इसको सामान नहीं मिलेगा, तो चलते हैं इसको सामान दिला के लेके आते हैं। क्या चाहिए पहले मेरे को बता दें, यहीं पे वो डेकोरेटिंग वेटर रह के, ओ ये नहीं डेकोरेशन का सामान, कौन सी मैम ने मंगवाया तेरी मैम को, मैं कल मैं जाके पूछूंगा तेरी मैडम से, क्या नाम है तेरी मैडम का नाम बता, कौन सी मैम ने मंगाया तू, तो मेरे को तेरी मैम का नाम बता, नाम ही नहीं पता क्यों डेकोरेट, क्या करेगा डेकोरेशन का सामान का, मुझे तो ये बता क्या करना, उसको क्या सिर में मारेगा उसके बाद में दिलाना, ऐसे नहीं क्योंकि ऐसे वैसे होती थी, वो लास्ट टाइम में तुम्हारे को दिलाया था वो सारा वेस्ट हुआ, रहने दे अब पहले कल पूछेंगे। तो इतना खुश क्यों हो रहा है, क्या हो गया, क्या हुआ, क्या हो गया, क्या डेकोरेट कर रहा है, कौन सी डायरी डेकोरेट कर रहा है, पागल हो जाए ना, हंस हंस के पागल हो जाए, फिर पता चला नीचे खुश हो जाए। नहीं 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 इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है, क्या हो गया, डेकोरेशन ही तो कर रहा है डायरी के ऊपर, इतना इतना एक्साइटमेंट यार, तो डेकोरेशन में तू खुद नहीं कर रहा, मम्मी कर रही है यार, तूने तो नहीं बनाई है, तो आज इसने ना डायरी बनाई और ये दिखाने आया, वाह मस्त हो गया, और इसको इतना अच्छा डेकोर भी अच्छा अच्छा किया, ओके चल बढ़िया अच्छी लग रही है, ठीक है कल मैडम बताना क्या बोलती है इसको देखकर, ठीक है, हाँ चल ठीक है।
सीरियसली बताओ ना तो आज का सीन थोड़ा सा खतरनाक है। आज का थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, डॉक्टर के भी जाके आऊँ थोड़ी देर पहले, फिर मंदिर चला गया, मंदिर जाके आऊँ, मंदिर वगैरह भी जाके आऊँ, तो तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, मंदिर जाना मैं नहीं छोड़ता। क्रिकेट चल रहा है, मैच बढ़िया मैच आ रहा है अभी, भैया चेन्नई बॉलिंग करा रही है और यो चौका बच गया भाई, बचा लिया भाई चौका, क्या गजब का चौका बचाया। इधर चल रहा है मैच, इधर चल रही है इसकी मस्ती, क्या मस्ती कर रहा है, लग जाएगी इसके सिर पे, लग जाएगी, लग गई ना, लग गई ना, हाँ डेकोरेट करेंगे, पढ़ना मत। और ये इधर इधर क्या चल रहा है, इधर अपने ब्लॉग देख रही है, वो अभी तो बंद कर दिया था इसने, अब दोबारा चला है ब्लॉग देख के, मजा आ रहा, मजा मोटी है, पेड़ दिख रहा तेरा, पेड़ दिख रहा तेरा मोटी के। तो सीरियसली आप लोगों को एक चीज बताता हूँ कि मुझे याद है इसके फर्स्ट टाइम ये जब स्कूल गई थी, जिसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल मेरे को याद है, और देखते देखते ये फिफ्थ क्लास में कब आ गई मुझे पता नहीं चला। सीरियसली मैं इसको फर्स्ट डे, इसको भी मैं छोड़ने गया था, इसका भी फर्स्ट डे याद है, इसकी तो फर्स्ट डे की याद भी, मेरे पास फोटो पड़ी है इसकी भी पड़ी है, फर्स्ट डे स्कूल की याद है दिया तेरे, फर्स्ट डे की, फर्स्ट डे स्कूल की फ़ोटो याद है तेरी, इसकी याद है, यहाँ पे खींची थी खड़ा करके, तुम दोनों की फ़ोटो है मेरे पास फर्स्ट डे की। देखिए यार सीरियस बताओ ना, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना आंखों के सामने देखते ही देखते, अब अभी ये फिफ्थ क्लास में पहुँच गई और कब ये ट्वेल्थ में पहुँच जाएगी पता नहीं चलेगा, फिर देखते देखते कॉलेज में। तो भाई बच्चों की जो जर्नी होती है ना एक अलग ही होती है, सीरियसली मतलब जो फील होता है ना, मतलब क्या ही बोले यार, आंखों के सामने इतनी जल्दी जल्दी सब पास भी निकल जाता है, और अपन सोचते हैं यार अभी कल की तो बात है यार, पता ही नहीं चला। वो सीरियसली आज मैं इसके लिए जब वो जिसपे बोर्ड पे आशिका बोलते तक की बोला करते थे हमारे टाइम पे, तो जिसपे पेपर लिख के देते हैं, तो वो चीज़ ये तकती जो जो इसके हाथ के अंदर जिसपे पेपर लिख कर देते हैं, मेरे को याद है कि हमने एक भी हमारे बोर्ड लिखा, हमने टेंथ बोर्ड में जाके ली थी, और मुझे सीरियसली बता रहा फर्स्ट टाइम मेरे को लगा कि यार ये फिफ्थ क्लास में आ गई, बड़ी हो गई हमारी दिया, धीरे धीरे बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, थोड़ा सा स्लो हो जाए बेटा, स्लो हो जाए, इतनी जल्दी बड़ी मत हो। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, जो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे से वीडियो में, कल तक के लिए बाय बाय।